हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे आज हम विंटर सीजन के एक और सुंदर से फूल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रेमोला या प्रेमरोज़ तो इसकी बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे कलर आते हैं देखिए ये जैसे येलो है और मेरे पास ये पर्पल कलर है साथ में पिंक कलर है और रेड कलर है और भी इसके बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर सेड्स आते हैं और इसकी वैरायटी देखिए अलग है इस वाले से दोनों के लीव्स अलग हैं तो आज हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे कि कैसे मैंने इसे लगाया है किस तरह का पॉट सलेक्शन किया है और साथ में कैसी सॉइल ली है तो सबसे पहले इसके पॉट सेलेक्शन की बात करते हैं तो इसके लिए आप बहुत बड़ा पॉट नहीं लीजिए मैंने कुछ पॉट जो है वो बड़े ले रखे हैं क्योंकि मुझे इसे रेलिंग पर लटकाना था बट मैंने इसके नीचे जो है वो आ, ये काफ़ी नैरो हो जाता है नीचे जाके पॉट तो मैंने इसके नीचे साइड में जो नारियल का भूसा होता है नारियल के जो छिलके होते हैं वो डाल रखे हैं और ऊपर इस के सॉइल की एक लेयर तैयार कर रखी है लेकिन ये छोटे पॉट में जब हम लगाते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है और इसकी रूट्स काफ़ी डीप नहीं जाती हैं सेलो रहती हैं तो इसलिए इसकी जो सॉइल है वो थोड़ी होनी चाहिए और पॉड जो है वो छोटा होना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा उसमें पानी जमा ना हो तो पहली बात दूसरी बात जो इसकी सॉइल हम तैयार करेंगे वो सॉइल जो है मॉइस्ट को होल्ड करने वाली होनी चाहिए लेकिन साथ में अच्छी उसमें से पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए इसकी रूट्स क्योंकि छोटी होती हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं लगना चाहिए तो इसके लिए आप एक हिस्सा इसमें कंपोस्ट लीजिए एक हिस्सा एक हिस्सा कोकोपीट लीजिए और एक हिस्सा सॉयल लीजिए और साथ में एक हिस्सा आप इसमें रेत मिला लीजिए ताकि वाटर ड्रेन आउट हो जाए तो इस तरह से इसकी सॉयल अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी थर्ड इसकी बात करते हैं पानी की तो इसमें अच्छी मात्रा में आप पानी दीजिए लेकिन बहुत ज़्यादा पानी स्टोर ना हो ऐसा आप देख लीजिए इसकी सॉइल जब ड्राई हो जाए इसे टच करके देखिए इस तरह से अगर इसकी ऊपरी लेयर सूख जाए तब आप इसको पानी दीजिएगा और चौथी बात करते हैं इसकी सनलाइट की तो इसे आप इनडायरेक्ट सनलाइट में चार से पाँच घंटे रखें यानी कि ऐसी जगह पे इसके प्लेस कीजिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े तो ये बहुत अच्छा सा ब्लूम करेगा फिर बात करते हैं इसे थोड़ा सा इसको नमी चाहिए और एटमॉसफेयर में थोड़ी ह्यूमिडिटी चाहिए तो आप इसे कमलों के बीच में रखें जहाँ पर ढेर सारे पौधे हैं आपके उनके बीच में आप इसे रख लीजिए ताकि ये अच्छे से इसमें फ्लारिंग होती रही देखिए नई इसमें एक नया स्टिक निकल के आ रही है और इसकी जो जो फ्लावर्स इसके स्पेंड हो जा रहे हैं उन्हें इस तरह से पिंचिंग करते रहिए ताकि नीचे से और ज़्यादा फ्लार आ सके इसमें और कभी कभी तो नया एक नई पूरी की पूरी गुच्छे के रूप में आते हैं इसके फ्लार तो नई स्टिक भी इसमें से निकल के आ जाती है तो रही बात तो इसको थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए मतलब विंटर सीजन में बहुत अच्छे से आपके साथ रहेगा और आप इसको मार्च तक खींच सकते हैं अगर आप इसको ऐसी जगह पे प्लेस करेंगे जहाँ पे टेम्परेचर कम हो और साथ में इसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मिले पौधों के बीच में रहे तो ये आपके साथ पूरा ठंडी सर्वाइव करेगा और बहुत सुंदर दिखाई देता है देखिए मेरे छोटे वाले फ्लावर पॉट में ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है और इसको आप अपने गार्डन में शामिल कीजिए और इसके अलावा इसकी और कोई ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा मुझे और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसके हाँ एक चीज़ और है इसके फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो इसमें आप कोई भी जो आप विंटर सीजन का फर्टिलाइज़र और पौधों को फीड करा रहे हैं वो इसे भी करा दीजिए और जो नीचे इसकी लीव्स ख़राब हो जाती है पानी की वजह से उन्हें आप निकालते रहिए ताकि इसमें फंगस ना लगे और फंजीसाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं बट स्प्रे नहीं कीजिए इसकी रूट्स में डाल दीजिए एक एक लीटर पानी में एक स्पून फंजीसाइड को डिसोल्व करके इसकी रूट्स में महीने में एक बार आप डाल सकते हैं विंटर सीजन के लिए विंटर सीजन के फ्लावर के लिए जैसा आप केयर करते हैं वैसा ही केयर इसके लिए भी कीजिए बहुत ज़्यादा अगर आप सॉइल इस तरह से प्रिपेयर करते हैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आप कोई भी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं जैसे सरसों खली का फर्टिलाइज़र है जो मैंने अपने चैनल पर भी बताया वो आप इसको फीड करा सकते हैं या फिर एन पी के उन्नीस 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 एक लीटर पानी में एक स्पून रिजॉल्व करके इसको दे सकते हैं थैंक यू सो मच अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए